नमस्कार, वीके वीडियोस के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। प्रदेश की बड़ी खबरें अदालती मामलों से जुड़ी हैं। मुख्य रूप से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए समन को रद्द किए जाने की मांग से जुड़े आवेदन पर डबल बेंच सुनवाई करेगी। अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से उठाई गई आपत्ति को सही करार दिया है। इससे अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें परमवीर सिंह की भी कम नहीं हो रही है। राज्य सीआईडी ने सिंह तक वारंट पहुंचाने के लिए पुलिस से मदद मांगी है। अगर जमानती वारंट मिलने के बावजूद सिंह चांदीवाल आयोग के सामने पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। परमवीर को हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में थोड़ी राहत दी है। उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक 4 अक्टूबर 2021 तक बरकरार रखी रहेगी। समय की कमी के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। राजनीतिक गलियारे की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने वाले बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री की इस भूमिका को परप्रांतीय विरोधी करार दिया है। भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि किसी समाज को निशाने पर लेना उचित नहीं है। वहीं सस्ते में घर देने का झांसा देकर ठगी का बड़ा मामला पुणे में सामने आया है। बिल्डर कंपनी व उसके पार्टनर के खिलाफ सासवड पुलिस स्टेशन में ठगी का केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में 17 लोगों के साथ ठगी की गई है। अब प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों पर आइए विस्तृत से नजर डालते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए समन को रद्द किए जाने की मांग से जुड़े आवेदन पर डबल बेंच सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति एस के शिंदे ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से उठाई गई आपत्ति सही है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री की ओर से जारी एक टिप्पणी के मुताबिक इस आवेदन पर सुनवाई खंडपीठ के सामने होनी चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एकल न्यायमूर्ति एस के शिंदे को इस टिप्पणी की जानकारी दी थी। इस पर न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा था कि पहले वे कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से उठाई गई आपत्ति को निपटाएंगे, इसके बाद आवेदन पर सुनवाई करेंगे। इसके तहत न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि इस आवेदन पर खंडपीठ के सामने सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति ने कोर्ट रजिस्ट्री को खंडपीठ के सामने देशमुख के आवेदन को सुनवाई के लिए रखने का निर्देश दिया है। याद रहे, पिछली सुनवाई के दौरान देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी व अधिवक्ता अनिकेत निकम ने दावा किया था कि एकल न्यायाधीश के पास इस आवेदन पर सुनवाई करने का अधिकार है, किंतु न्यायमूर्ति शिंदे ने इस मामले में कोर्ट रजिस्ट्री की आपत्ति को सही माना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त को गिरफ्तारी से मिली राहत को 4 अक्टूबर 2021 तक बरकरार रखा है। समय की कमी के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया है। अकोला में तैनाती के दौरान पुलिस निरीक्षक भीमराव घाड़गे ने साल 2015 की एक घटना को लेकर सिंह के खिलाफ जाति उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। हलफनामे पुलिस निरीक्षक घाड़गे ने कहा है कि सिंह ने अपनी सेवा के दौरान अपने भ्रष्टाचार से पुलिस दल की छवि को धूमिल किया है। घाड़गे ने सिंह के उन दावों को काल्पनिक बताया है जिसमें सिंह ने कहा है कि उन्होंने पूर्व गृह मंत्री देशमुख के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हलफनामा में घाड़गे ने कहा है कि उन्होंने सिंह पर दबाव बनाने के लिए शिकायत नहीं दर्ज कराई है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील जेपी याज्ञनिक ने कहा कि सरकार की ओर से सिंह के खिलाफ कार्रवाई न करने के आश्वासन को 4 अक्टूबर तक जारी रखा जाएगा। इससे पहले सिंह की ओर से पैरवी कर वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने खंडपीठ से सिंह को मिली राहत जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने उन तक जमानती वारंट पहुंचाने के लिए मलबार हिल पुलिस स्टेशन से मदद मांगी है। सीआईडी ने इस बारे में पत्र लिखकर यह मदद मांगी है। बता दें कि मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का घर मलबार पुलिस स्टेशन की हद में आता है। पत्र में वारंट सिंह के घर पहुंचाने के लिए
दो पुलिसकर्मियों की मांग की गई है। सिंह चंडीगढ़ में हो सकते हैं, ऐसे में अगर मलबार हिल स्थित घर पर वे नहीं मिले तो वारंट लेकर एक टीम चंडीगढ़ भी भेजी जा सकती है। सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र भेजकर राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक सदस्यीय चांदीवाल आयोग का गठन किया है। बार बार समन भेजे जाने के बावजूद जब सिंह बयान दर्ज कराने आयोग के सामने पेश नहीं हुए तो उन पर दो बार 25-25 हजार और एक बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद आयोग ने 7 सितंबर को जमानती वारंट जारी कर दिया। वारंट अमल के लिए राज्य सीआईडी के पास भेजा गया है, जिसे सिंह तक पहुंचाने के लिए सिंह ने मलबार हिल पुलिस स्टेशन से मदद मांगी है। अगर जमानती वारंट मिलने के बावजूद सिंह आयोग के सामने पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने वाला बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री की इस भूमिका को परम प्रांतीय विरोधी करार दिया है। भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि किसी समाज को निशाने पर लेना उचित नहीं है। पाटिल ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र का व्यक्ति इस तरह का अपराध नहीं करता है। पाटिल ने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि राज्य में अपराध की घटनाओं का अध्ययन किया गया तो कुछ और ही सत्य सामने आएगा, उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे क्या। भाजपा विधायक अतुल भातकलकर ने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से आने वाले परप्रांतियों के रिकॉर्ड को रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की इस भूमिका से दो समुदायों के बीच द्वेष पैदा होगा। समाज में कई लोगों को लगेगा कि परप्रांतियों के कारण दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। जवाब में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र ने महिलाओं की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया है। सरकार महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। प्रदेश के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से परप्रांतियों के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कानून सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। सस्ते में घर देने का झांसा देकर ठगी का बड़ा मामला पुणे में सामने आया है। बिल्डर कंपनी व उसके पार्टनर के खिलाफ सासवड पुलिस स्टेशन में ठगी का केस दर्ज कराया गया है। इस मामले में 17 लोगों के साथ ठगी की गई है। आरोपी सचिन अग्रवाल मेपल प्रोमोटर्स एंड बिल्डर्स का मालिक है, जबकि भोसले परिवार जमीन मालिक है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह 13 अगस्त 2015 को कंपनी के शिवाजी नगर कार्यालय गया था। उसे कोंडवा एनेक्स निर्माण कार्य प्रोजेक्ट पसंद आया। कार्यालय के कर्मचारी के कहे अनुसार 20,000 रुपए देकर तीसरी मंजिल में 301 नंबर का फ्लैट बुक करा लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने समय समय पर 4,37,000 रुपए जमा किए। पुरंदर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मेपल प्रोमोटर्स एंड बिल्डर्स के मालिक सचिन अग्रवाल के जरिए नितिन बिपिन शाह ने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाया। करार के अनुसार 36 महीने में घर देने की बात तय हुई थी, लेकिन आज तक बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, साथ ही फ्लैट भी नहीं दिए गए। शिकायतकर्ता ने सचिन अग्रवाल और भोसले परिवार से बार बार बात की, लेकिन उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला, मांगने पर पैसे भी नहीं मिले। ठगी के इस मामले की जांच सासवड पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़कर बड़े हमले को तो टाल दिया है, लेकिन उनके इरादे काफी खतरनाक थे। पूछताछ में सामने आया है कि आतंकियों ने कई जगहों की रेकी कर ली थी और कुछ जगहों पर विस्फोटक भी पहुंचाए जा चुके थे। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों के अलावा महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को दहलाने की साजिश थी। बहरहाल आतंकी अपने मंसूबे को कामयाब नहीं कर पाए, लेकिन तेलंगाना के मंसूबे कुछ ठीक नहीं। हैदराबाद के सैदाबाद में 6 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की खबर से लोग आग बबूला है। तेलंगाना के मंत्री चामाकुरा मल्ल रेड्डी ने तो आरोपी के एनकाउंटर तक की बात कर दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी पकड़ में आया तो उसे सीधे गोली मार देंगे। याद रहे, एक ऐसा ही एनकाउंटर का गवाह पहले भी हैदराबाद बन चुका है। परेशान वाली खबर बिहार और उत्तर प्रदेश से है। बच्चों में ट्रिपल अटैक अर्थात कोरोना और डेंगू के बाद वायरल फीवर का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ बिहार में 830 बच्चे अस्पताल पहुंचे, जिनमें 113 को एडमिट करना पड़ा। रफ्तार को जान का दुश्मन बताते हुए हाईवे पर ओवरस्पीड की घटनाओं पर लगाम लगाने की मंशा से मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय अधिसूचना को रद्द करते हुए एक्सप्रेसवे पर टॉप स्पीड 120 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का आदेश दिया है। उसने केंद्र सरकार की कई बातों को खारिज भी किया है। इसी बीच उत्तराखंड में नैनीताल भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर पर धमाका होने से हड़कंप मच गया है।
उनके हीरानगर आवास में मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे तेज धमाका हुआ। देश में आज की सुर्खियां बनी इन खबरों को आइए विस्तार से जानते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़कर बड़े हमले को टाल दिया है। पाकिस्तान में बैठा भारत का भगोड़ा दाऊद इब्राहिम मुंबई हमले जैसी ही खौफनाक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पकड़े आतंकवादियों में 2 को पाकिस्तान के उसी थट्टा इलाके में ही हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी, जहां मुंबई अटैक के पकड़े गए आतंकी मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को ट्रेन किया गया था। पूछताछ में सामने आया है कि आतंकियों ने कई जगहों की रेकी कर ली थी और कुछ जगहों पर विस्फोटक भी पहुंचाए जा चुके थे। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों के अलावा महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को दहलाने की साजिश थी। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों की रेकी की गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए नेताओं की रैलियां होने लगी है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार का काम जोर पकड़ने की संभावना में भारी भीड़ के बीच धमाका करने की प्लानिंग की गई थी। आतंकियों को ऐसे मौके की तलाश थी जब ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर बड़े पैमाने पर खौफ फैलाया जा सके। इसके लिए चुनावी रैलियों के अलावा नवरात्र समेत अन्य त्योहारों के दौरान विस्फोट करने की प्लानिंग बनी थी। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आतंकवादियों पर आगे भी नजर रखने के बजाय गिरफ्तार करने में ही भलाई समझी। दुष्कर्म के मामले रुक नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में साकिना का दुष्कर्म की आंच राजनीतिक गलियारे की तपिश बढ़ा रही है। इस बीच हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना पिछले सप्ताह 9 सितंबर की है जो अब सामने आई है। आरोपी की पहचान 30 साल के पल्ला कोंडा राजू के तौर पर की गई है। इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है। घटना स्थल पर गई पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी की गई थी। प्रदेश पुलिस आरोपी की तलाश में सक्रियता से लगी हुई है। पुलिस ने आरोपी की तस्वीर के साथ पहचान जारी की है। पुलिस ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। इस बीच तेलंगाना के मंत्री चामाकुरा मल रेड्डी ने बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या करने के आरोपी के एनकाउंटर किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को पकड़कर गोली मार देंगे। याद रहे तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में गैंग रेप के 4 आरोपियों का एनकाउंटर किया था। ये मामला 27 नवंबर 2019 को एक युवा पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित है। पुलिस ने 4 लोगों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया था। उसी साल 6 दिसंबर को शादनगर के पास अपराध स्थल पर एक मुठभेड़ में 4 आरोपी मारे गए थे। दिशा एनकाउंटर से फेमस हुई उस मुठभेड़ को लेकर सवाल भी उठे थे। बिहार उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार पीड़ित बच्चों से अस्पताल भरते जा रहे हैं। बच्चों में ट्रिपल अटैक अर्थात कोरोना और डेंगू के बाद वायरल फीवर का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ बिहार में 830 बच्चे अस्पताल पहुंचे, जिनमें 113 को एडमिट किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हैं। प्राइवेट अस्पतालों, डॉक्टरों से इलाज करवाने वालों की संख्या इससे बहुत ज्यादा है, जिनका रिकॉर्ड फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। जानकारी के मुताबिक बिहार के सरकारी अस्पतालों में इस महीने अब तक कम से कम 6,800 वायरल बुखार के मामले आ चुके हैं, जबकि 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी वायरल बुखार और डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई जिलों में हालात बेकाबू हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। वायरल की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद समेत तमाम जिलों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद में 24 घंटों में 15 और मरीजों की मौत हो गई। अब तक डेंगू और वायरल फीवर से दम तोड़ने वाले मरीजों का आंकड़ा 150 तक पहुंच चुका है। मरीज इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। उचित इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने सरकारी खर्च पर इलाज कराने के आदेश दिए थे। विशेषज्ञों की माने तो बाढ़ के पानी में कमी आने के साथ ही बच्चों में वायरल बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके सबसे बड़ी वजह मौसम का उमस से भरे होना है। चिकित्सकों के अनुसार अधिकतर परिजन बच्चों की स्थिति गंभीर होने के बाद अस्पताल लेकर आते हैं, फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। यदि परिजन बच्चों में बीमारी का लक्षण मिलते ही अस्पताल में भर्ती कराते हैं तो उसका समय से इलाज शुरू कर जान बचाई जा सकती है।
हाईवे पर ओवरस्पीड की घटनाओं पर लगाम लगाने की मंशा से मद्रास हाईकोर्ट ने एक केंद्रीय अधिसूचना को रद्द करते हुए एक्सप्रेसवे पर टॉप स्पीड 120 से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का आदेश दिया है। 4 अगस्त की इस अधिसूचना के अनुसार एक्सप्रेसवे पर टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी। जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस टीवी थमिल सेल्वी की डिवीजन बेंच ने ओवर स्पीडिंग को अधिकांश सड़क हादसों की वजह बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार की यह दलील मानने से इनकार कर दिया है कि यह स्पीड लिमिट बेहतर सड़कों और गाड़ियों की उन्नत तकनीक को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट कमेटी ने तय की है। इसके जवाब में बेंच ने पूछा, जब हम देख रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग अधिकांश सड़क हादसों की मुख्य वजह है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि बेहतर सड़क सुविधाओं और उन्नत इंजन टेक्नोलॉजी की वजह से हादसों में कमी आएगी। कोर्ट का तर्क था कि दूसरी तरफ अधिक उन्नत इंजन तकनीक हमेशा अनियंत्रित स्पीड की वजह बनेगी और नतीजे में अधिक सड़क हादसे होंगे। अदालत ने एक सड़क दुर्घटना में 90% विकलांगता झेलने वाली महिला दंत चिकित्सक और उसके 2 बच्चों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करते हुए ये आदेश पारित किए। अदालत ने एक ट्रिब्यूनल के जरिए दिए गए करीब 18 लाख रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर करीब 1 करोड़ रुपए कर दिया। 2013 में जब पीड़िता कांचीपुरम रोड पर अपने 2-पहिया वाहन की सवारी कर रही थी, एक तेज और लापरवाही से चल रही MTC बस ने उन्हें टक्कर मार दी थी। उत्तराखंड में नैनीताल भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर पर धमाका होने से हड़कंप मच गया है। उनके हीरानगर आवास में मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे तेज धमाका हुआ। इससे घर का मुख्य गेट, दरवाजे व खिड़कियां ध्वस्त हो गई है। एक कमरे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बुधवार की सुबह DIG नीलेश आनंद भरने विस्फोट के बाद मुआवजा करने पहुंचे। वहीं कैबिनेट मंत्री बशिंदर भगत और मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला भी उनके आवास पर पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने DIG को जांच का आदेश देकर खुद भी जिलाध्यक्ष से बात की है। प्रदीप बिष्ट का कहना है कि धमाका कैसे हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आसपास के लोगों ने बताया कि देर रात तेज धमाका हुआ, लगा कि कहीं जैसे बम फटा हो। सभी लोग घरों से बाहर निकले तो प्रदीप बिष्ट के घर के दरवाजे व खिड़कियां गिरी पड़ी थी। SP CT जगदीश चंद्र ने कहा कि पुलिस की फॉरेंसिक और BDS की टीम ने घर के अंदर सभी जगहों से सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, जिसकी जांच एक्सपर्ट से कराई जाएगी, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल धमाका किस तरह से हुआ, इसके तमाम कारण हो सकते हैं। स्थानीय लोगों समेत जानकारों की माने तो प्रथम दृष्टया आकाशीय बिजली गिरना प्रतीत होता है। आकाशीय बिजली का रौद्र रूप देखने को मिला है, जिससे घर के अंदर बेहद नुकसान हुआ है। कोरोना से पूरी दुनिया हलाकान है। अच्छी खबर यह है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को भारत में 3rd चरण के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। ट्रायल पूरा होते ही इस वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को भी मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद भारत को कोरोना के खिलाफ जंग में एक और हथियार मिल सकेगा। दूसरी खबर हैरान करने वाली है। तालिबानी और अशरफ गनी सरकार के बीच संघर्ष के दौरान खबर आई थी कि बल्ख प्रांत की महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया गया है। बाद में कुछ जानकारी नहीं मिली तो दुनिया ने मान लिया कि महिला गवर्नर की मौत हो चुकी है, मगर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सलीमा सुरक्षित है और अमेरिका में किसी अज्ञात स्थान पर है। इसी बीच तालिबान की एक और सच्चाई सामने आई है। तालिबानी हर एक उस शख्स से बदला ले रहा है जो अफगान सरकार के साथ थे। खबर है कि काबुल में अफगान मूल के एक भारतीय नागरिक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। माना जा रहा है कि बंदूक की नोक पर अपहरण करने वाले तालिबानी ही थे। इसके अलावा एक और गंभीर जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान चीन के साथ संबंध इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिकी सेना के प्रमुख को युद्ध छिड़ने का डर लगने लगा था। स्थितियां लगभग उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का आकलन भी कम हैरान करने वाला नहीं। उन्होंने कहा है कि COVID-19 का डेल्टा वेरियंट दुनिया के लिए 2022 तक महामारी खत्म हो जाने को मुश्किल बनाएगा। मतलब ये 2022 में भी अपना रंग दिखाएगा, इसलिए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। गेट्स के अनुसार हर कोई डेल्टा वेरिएंट और इसके ट्रांसमिशन से आश्चर्यचकित है। तो आइए अब इन खबरों को विस्तार देते हैं। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को भारत में 3rd चरण के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। ट्रायल पूरा होते ही इस वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को भी मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद भारत को कोरोना के खिलाफ जंग में एक और हथियार मिल सकेगा। रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के
तीसरे चरण के ट्रायल के लिए कोरोना के लिए बनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की थी। इतना ही नहीं, कमेटी ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए भी सिफारिश भेजी थी, जिसे यह कहते हुए खारिज किया गया था कि वैक्सीन भी अभी तक भारत में ट्रायल नहीं हुआ है। कंपनी का कहना है कि स्पुतनिक लाइट में वही कंपोनेंट प्रयोग किए गए हैं जो स्पुतनिक वी में है, इसलिए भारत आबादी पर इसके असर का डेटा पहले से तैयार है। बता दें कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की सिंगल डोज ही कोरोना वायरस के खिलाफ काफ़ी होगी। अभी तक जो वैक्सीन भारत में इस्तेमाल की जा रही है वे सभी डबल डोज वैक्सीन है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन के लाइट संस्करण का प्राथमिक लाभ यह है कि कोविड 19 के तेज प्रकोपों के बीच किसी देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने में यह सिंगल शॉट वाली वैक्सीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तालिबानी और अशरफ गनी सरकार के बीच संघर्ष के दौरान खबर आई थी कि बल्ख प्रांत की महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया गया है। उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है। इसके बाद जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तो दुनिया ने मान लिया कि महिला गवर्नर की मौत हो चुकी है, मगर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान के चंगुल से भागने में कामयाब रही सलीमा सुरक्षित है और अमेरिका में किसी अज्ञात स्थान पर है। सलीमा मजारी अफगानिस्तान में पहली महिला गवर्नरों में से एक रही है। उन्हें कुछ साल पहले ही बल्ख के चारंगी जिले का गवर्नर चुना गया था। पिछले महीने ही जब तालिबान ने एक के बाद एक सभी प्रांतों पर धावा बोलना शुरू किया तो सलीमा ने भागने के बजाय मुकाबला करने का फैसला किया। हालांकि उनके जिले के तालिबान द्वारा घेरे जाने के बाद आखिरकार बल्ख को भी सरेंडर करना पड़ा। हालांकि उनको हराने के लिए तालिबान को 30 बार हमला करना पड़ा था। हर बार तालिबान ने नए रास्ते से हमला किया और उसे शिकस्त मिली। सत्ता पर काबिज होते ही भले तालिबान ने ऐलान किया हो कि अब वह किसी से बदला नहीं लेगा, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। तालिबानी हर उस शख्स से बदला ले रहे हैं जो अफगान सरकार के साथ थे। खबर है कि काबुल में अफगान मूल के एक भारतीय नागरिक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। माना जा रहा है कि बंदूक की नोक पर अपहरण करने वाले तालिबानी ही थे। घटना के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा गया और त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। अफगान मूल के भारतीय नागरिक बंसरी लाल अरिंदे काबुल में कारोबार करते हैं। वह फार्मास्यूटिकल उत्पादों के व्यवसायी है। सोमवार सुबह करीब 8 बजे कुछ लोग उनकी दुकान पर आए, बंदूक की नोक पर उन्हें व उनके साथियों का अपहरण कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बसंतीलाल अरिंदे के सभी साथी भागने में कामयाब हो गए। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने बताया कि उन्हें अफगान में हिंदू सिख समुदाय की ओर से अपहरण की जानकारी मिली है। इसके बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान चीन के साथ संबंध इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिकी सेना के प्रमुख को युद्ध छिड़ने का डर लगने लगा था। टॉप यूएस जनरल मार्क मिली को यह डर था कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए ट्रंप कहीं चीन के साथ युद्ध न छेड़ दे। आनंद फानंद में मिली ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल ली झुओचेंग को अमेरिकी चुनाव से 4 दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 2020 और फिर 8 जनवरी को कॉल कर भरोसा देना पड़ा था। मिली ने ली को भरोसा देते हुए कहा था कि अमेरिका स्थिर है और वह चीन पर किसी भी तरह का हमला नहीं करने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई हमला होगा तो वह अपने समकक्ष को रहते हुए सावधान कर देंगे। यह रिपोर्ट पत्रकार बॉब वुडवर्ड और रॉबर्ट कोस्टा की एक नई किताब पेरिल पर आधारित है, जिसके बारे में कहा गया है कि 200 से अधिक सूत्रों के हवाले से यह किताब लिखी गई है और अगले सप्ताह जारी होने वाली है। हालांकि ट्रंप ने अपने एक बयान में इस कहानी को मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर यह कहानी सच है तो जनरल मिली पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा है कि कोविड 19 का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के लिए 2022 तक महामारी खत्म हो जाने को मुश्किल बनाएगा। गेट्स के अनुसार हर कोई डेल्टा वेरिएंट और इसके ट्रांसमिशन से आश्चर्यचकित है। अब मामले घट रहे हैं, लेकिन हमें और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करना होगा। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को इस बात का गर्व है कि 2020 में हमने $30 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट को दिए। अब हमारे पास जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन होगी। गेट्स ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट कोविड का सबसे बुरा वेरिएंट है और शायद इसके मामले 2022 में भी होंगे। डेल्टा की वजह से हम 2022 तक कोरोना मुक्त दुनिया का लक्ष्य चूक जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे पास इतनी फैक्ट्री कैपेसिटी हो कि केवल 200 दिन के अंदर भी हम पूरी दुनिया के लिए पर्याप्त वैक्सीन बना सके। बता दें कि पिछले कई सालों से गेट्स फाउंडेशन और भारत सरकार के बीच साझेदारी है। साथ ही भारत और बाकी दुनिया को सस्ती हाई क्वालिटी वैक्सीन्स मुहैया कराने के लिए
गेट्स फाउंडेशन ने भारतीय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी साझेदारी की हुई है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।